आने वाले महीने बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि इन महीने में आपको कुछ ऐसे कॉमेट सीखने वाले हैं जो नेकेड आई से विजिबल हो सकते हैं और जो कॉमेट्स आपको इंडिया से भी देखने वाले हैं। कॉमेट्स एक्चुअली आईसी बॉडीज होती हैं जो हमारे सन को ऑर्बिट कर रही होती हैं, और जब भी हमारे सन या अर्थ के पास आती हैं तो हमको आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि हमारे सूरज को करीब 100 मिलियन से भी ज़्यादा कॉमेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, और अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने करीब 3000 से भी ज़्यादा कॉमेट्स को डिस्कवर कर लिया है। अब आइए बात करते हैं हमको कौन कौन से कॉमेट दिखने वाले हैं। सबसे पहला है कॉमेट सुचिंसन, जो फिलहाल जुपिटर और मार्स के बीच में ऑर्बिट कर रहा है, जो फिलहाल आपको सिर्फ एक बड़ी टेलीस्कोप से ही दिख सकता है जो अभी नेकेड आई से विजिबल नहीं है, लेकिन जल्द ही अक्टूबर में नेकेड आई से विजिबल होना शुरू हो जाएगा और ये अक्टूबर 10 या 12 के बीच में अर्थ के सबसे करीब होने वाला है और यही सबसे बेस्ट टाइम होगा इसको देखने का। नेक्स्ट कॉमेट है 13P ऑल्डर्स, जो एक पीरियोडिक कॉमेट है जो हर 69 ईयर्स में सन का एक ऑर्बिट पूरा करता है। इसे लास्ट टाइम 1956 में देखा गया था और इसी साल जून 2024 में ये फिर से विजिबल होने वाला है। जून 30 को ये सूरज के सबसे करीब होने वाला है और जुलाई 20 को अर्थ के सबसे करीब होने वाला है। ये 30 जून को हमें आसमान में दिखेगा और हो सकता है कि नेकेड आई से भी दिख सके। तो फिलहाल ये थे दो कॉमेट्स जो आगे जाकर आपको विजिबल होने वाले हैं, कि इससे पहले जनवरी और मार्च के बीच में कुछ कॉमेट्स थे जो विजिबल थे, लेकिन अगर आपने उनको मिस कर दिया है आप ये दो कॉमेट्स को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके एस्ट्रोनॉमी साइंस टॉपिक वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।